हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। देखो, आपके लिए बहुत सारी चीजें हम कर रहे हैं। एक बार सिलेबस ऑलरेडी पढ़ा के हो गया, दूसरी बार भी आप देख सकते हो 90% पे पहुंच चुके हैं। 5-10% बचा है, वो भी लगभग 5-10 दिनों के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। एंड उसके बाद 5-10 दिनों के बाद आप लोगों को मिलने जा रहा होगा आप लोगों का लाइव वन शॉट रिवीजन, जिसमें लास्ट टाइम जो बोर्ड एग्जाम जिन्होंने दिया था बच्चे लोग ने, उन्होंने तो बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आए, तो आपके लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। ठीक है, तो सिलेबस पूरा अवेलेबल है, तो पहले तो सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लो। हमारे वीडियोस देख के जितना हो सके उतना पूरा सिलेबस कंप्लीट रहेगा, तो वन शॉट आपको भी पढ़ने में मजा आएगा हमारे साथ। ठीक है, तो आज क्या लेकर आया हूं, 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स पार्ट टू यानी ज्योमेट्री का हमारा जो चैप्टर चल रहा था ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है ना, और इस चैप्टर का हमारा प्रैक्टिस सेट 6.1 हमने स्टार्ट किया था पहले लेक्चर में। आज दूसरा लेक्चर है और ये प्रैक्टिस सेट 6.1 हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा प्रैक्टिस सेट है, कई सारे एग्जाम्पल्स है। तो आज जो बचे कुछ एग्जाम्पल्स है प्रैक्टिस सेट 6.1 के, वो हम लोग सॉल्व कराएंगे। प्रूफ दैट वाले एग्जाम्पल है, मजा आएगा आप। लेकिन अगेन एक चीज और, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, हमारा इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना, और साथ ही में सबसे इंपॉर्टेंट जेआर ट्यूटोरियल का एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंस्टॉल करके रजिस्टर कर लेना और लॉग इन हो जाना, क्योंकि उसमें वहां पे क्विजेस आ रहे हैं, टेस्ट सीरीज आएंगे आ रहे होंगे, और वीडियो कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट वाले वो भी आ रहे होंगे, और कुछ ऐसी चीजें जो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा बोर्ड एग्जाम के लिए। तो जरूर से करके रख लो, बहुत कम समय बचा है। ठीक है, प्ले स्टोर पे जेआर ट्यूटोरियल का एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉल कर लेना और लॉग इन कर लेना। ठीक है, चलो शुरुआत करेंगे वीडियो की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की। अब देखो, इसके पहले के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक, वो हम लोग ने मेनली सॉल्व किया था। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर इसके पहले का जो था, ठीक है ना, उसमें हमने पूरा प्रॉपर तरीके से आपको लेक्चर 1 में बताया हुआ है। आज दूसरा लेक्चर है, तो 6th क्वेश्चन से स्टार्ट होने जा रहा है। और ये जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये क्या है, प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन आप देखोगे तो ये प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत बेसिक तरीके से। देखो, सबसे पहले कभी भी एक चीज याद रखना, प्रूफ दैट जब दिया होता है तो इसमें दो हिस्से होते हैं, एक होता है इक्वल के लेफ्ट वाला, इक्वल के राइट वाला। तो इक्वल के इस साइड वाले हिस्से को बोलते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड, LHS बोलते हैं। और देखो, अभी दिख रहा नहीं होगा आपको तो मैं रेड कलर लेता हूं, इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, वैसे ही राइट वाले को बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो हम लोग सबसे पहले लेंगे हमारा लेफ्ट हैंड साइड, हम लोग को क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड लेना होता है, जिसको LHS बोलते हैं। LHS लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और उसका जो सॉल्यूशन आएगा वो RHS के बराबर कर देंगे, तो LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा, मतलब हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास क्या क्वेश्चन अवेलेबल है। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, अगर आप देखोगे जो कि दिख रहा है, LHS क्या लिखा हुआ है, लिख लो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, ये हम लोग का LHS है। तो इसको हम लोग को आगे सॉल्व करना है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें हम लोग क्या बता सकते हैं, बताओ मुझे। तो सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूं, देखो नीचे cos थीटा अकेला दिख रहा है, ये cos थीटा को उधर भेजूंगा तो ये cos के साथ cos मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और प्लस ये cos इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और ये पूरा डिवाइड हो जाएगा किससे, cos थीटा से। समझा ये चीज, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, याद आ रहा है एक फॉर्मूला था, 3 आइडेंटिकल फॉर्मूले पड़े थे ज्योमेट्री के, ट्रिग्नोमेट्री के। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, ठीक है, तो 1 अपॉन कॉस थीटा हो गया, और हम सब जानते हैं कि 1 अपॉन कॉस थीटा का मतलब होता है सेक थीटा। आ गया आंसर, ठीक है, यही हमारा आंसर है। तो देयरफॉर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर हेंस प्रूव्ड। कितना आसानी से प्रूव करके दिखा दिया, विद इन 10 सेकंड में आपका प्रूव हो गया। क्या किया हमने, बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया। ये रीजन आपको देना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप रीजन नहीं लिखोगे तो आधा मार्क्स कट जाएगा। तो यहां पे आपको रीजन बताना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये रीजन है, तभी तो ये आया 1। और यहां पे एक और रीजन बताना पड़ेगा कि 1 अपॉन कॉस थीटा जो होता है वो सेक थीटा होता है, ये रीजन आपको ऐसा लिख के बताना पड़ेगा। मैंने बहुत छोटा लिखा हुआ है, आप लोग अच्छे से लिखना पूरा, ठीक है। तो वो रीजन साइड में जरूर लिखना कि ये स्टेप आया तो क्यों आया, उस किसके वजह से आया, ये आपको ऐसा स्टेप उसके आगे रीजन लिख के बताना है। रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ज्योमेट्री, आप जानते हो, कभी भी प्रूफ दैट में रीजन लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, करेक्ट है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट, उम्मीद करता हूं काफी इजी लगा होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है सेकंड क्वेश्चन, क्या वो बोल रहा है यहाँ पे। देखो, पहला LHS क्या है हमारे पास, LHS ले लेंगे, लिखो यहाँ पे LHS इज इक्वल टू दिस वैल्यू दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 + 10 स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला याद आ रहा है, 1 + 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्तों, फॉर्मूला बताओ मुझे, कौन बताएगा, 1 + 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तीनों फॉर्मूला लिख लो सबसे पहले, अगर याद नहीं आ रहा है तो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू वन, दूसरा क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही कुछ फॉर्मूले से तो इसको याद रखना है, तो सेम आपको पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक्स स्क्वायर थीटा होता है, तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं लिखूंगा सेक्स स्क्वायर थीटा। रीजन क्या लिखूंगा, रीजन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहां पे मैं आपके सामने ही रीजन लिखता हूं। सिंस रीजन क्या है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है सेक्स स्क्वायर थीटा, ये रीजन है उसका, ठीक है। नेक्स्ट इज इक्वल टू, अब यहां पे क्या हो जाएगा, मुझे एक चीज पता है कॉस स्क्वायर का मतलब क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन ये जो सेक्स स्क्वायर थीटा होता है सेक का मतलब क्या होता है वन अपॉन कॉस, तो ये सेक्स स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। रीजन लिखोगे यहां पे कि रीजन क्या है कि सेक थीटा जो होता है वो होता है वन अपॉन कॉस थीटा, ठीक है यही रीजन है, ठीक है रीजन ये है मेरा। तो मैंने क्या लिखा सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, और यहां पे अगर आप देख पा रहे हो ये कॉस स्क्वायर थीटा ये कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर नीचे कैंसिल, तो सिर्फ बच जाएगा वन, एंड ये किसके बराबर है हमारा राइट हैंड साइड के बराबर है, तो इज इक्वल टू आर एच एस, तो देयर फोर हैंस प्रूव, ये हमने प्रूव करके दिखा दिया। ये तो मेरा फेवरेट डायलॉग है, हैंस प्रूव लिखने में मेरे को स्टार्टिंग से जब मैं दसवीं में था तब से मजा आ रहा है मेरे को, जब प्रूफ होता है ना तो उसकी खुशी अलग ही होती है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल प्रूफ करके दिखा दिया, बहुत ज्यादा ही खुशी मिलती है। करेक्ट है दोस्तों, क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखो यहां पे क्या बोल रहा है, ये तो कुछ अलग ही दिख रहा है, तो पहले एलएचएस ले लेंगे बिना कुछ सोचे समझे, एलएचएस ले लो, क्या है एलएचएस, अंडर रूट में वन माइनस साइन थीटा है, नीचे है वन अपॉन सॉरी वन प्लस साइन थीटा। तो देखो कभी भी ऐसे अंडर रूट वाले क्वेश्चन आए तो हमको करना होता है रैशनलाइजेशन, डिनोमिनेटर का रैशनलाइज कर देने का, टेंशन बिल्कुल मत लेना और डिनोमिनेटर को पकड़ के क्या कर दो रैशनलाइज कर दो। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं, बस इसको अंडर रूट को लंबा करो, नीचे जो साइन दिख रहा है ये वन प्लस साइन थीटा है तो उसका उल्टा ले लो, वन माइनस साइन थीटा ले लो ऊपर, और नीचे भी सेम वन माइनस साइन थीटा, और चाहिए तो ऐसा लिख देना यहां पे, क्या लिखना रीजन लिख देना, क्या लिखोगे रीजन, रैशनलाइजिंग रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को हमने क्या किया है रैशनलाइज किया है, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, बस ऐसा एक रीजन लिख दिया, समझ में आया। अब चलो सॉल्व करते हैं, देखो यहां पे ये 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा होल ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, मतलब a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस बी मतलब साइन थीटा का स्क्वायर, समझा। इसको सॉल्व कर लो वापस से, अंडर रूट में क्या हो रहा है, ये तो 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर है, लेकिन नीचे आप देखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और ये साइन थीटा, ये स्क्वायर मैंने गलती से लिख दिया, यहां पे ये स्क्वायर नहीं आएगा, साइन थीटा का स्क्वायर है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा साइन थीटा और इसका स्क्वायर, समझा, 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, करेक्ट है, समझ में आ रहा है। अब मुझे एक चीज पता है दोस्तों, क्या मुझे बताओ कि हमारा एक फॉर्मूला है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो अगर मेरे को सिर्फ कॉस स्क्वायर का वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए ये साइन को मैं वन के पास भेजूंगा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन वन के पास गया तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, तो मतलब वन माइनस साइन स्क्वायर के थीटा के जगह पे हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, मतलब इसके जगह पे मैं लिख सकता हूं क्या ये वैल्यू, ऊपर तो सेम ही है वन माइनस साइन थीटा दी होल स्क्वायर है ही, और नीचे वन माइनस साइन स्क्वायर के थीटा के जगह पे मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा। रीजन लिख देना, रीजन यहां पर लिख देना क्यों आया ऐसा, सिंस है ना ऐसा तीन डॉट उल्टा, देयर फोर का उल्टा होता है सिंस, तो क्यों आया ऐसा, क्योंकि वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, तो आपने लिख दिया ये रीजन, ठीक है, यहां पे एक लाइन खींच दो बढ़िया सा, इसको मिटा दो, इसका काम नहीं है, ठीक है। अब यहां पे अगला स्टेप सॉल्व करेंगे, यहां पे अगर देखोगे ऊपर वाला वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा है इसके पास भी स्क्वायर है, और ये कॉस स्क्वायर थीटा इसके पास भी स्क्वायर है, तो दोनों के पास स्क्वायर है, मतलब ये रूट को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, मतलब ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब कैंसलिंग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया एक दूसरे से, तो क्या बचेगा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये पूरा स्क्वायर रूट चला गया और इसका स्क्वायर चला गया, तो क्या बचेगा ऊपर वन माइनस साइन थीटा बचेगा और नीचे बचेगा कॉस थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर का भी स्क्वायर चला गया, तो वन माइनस साइन थीटा अपन कॉस थीटा बचेगा। अब इसको अलग अलग कर दो, ये वन के पास नीचे कॉस थीटा भेज दो, बीच में माइनस हो जाएगा, और ये साइन थीटा के पास नीचे कॉस थीटा भेज दो, बराबर ना, कर सकते हैं ऐसा,
क्योंकि नीचे cos थीटा कॉमन है ना, तो cos थीटा कॉमन है तो दोनों के पास cos थीटा चला गया, 1 के पास cos थीटा आ गया, sin के पास cos थीटा आ गया, बीच में माइनस आ गया। 1 upon cos थीटा का मतलब कितना होता है दोस्तों, sec थीटा होता है, बीच में माइनस, sin upon cos कितना होता है, tan थीटा होता है। और एक बार RHS पे नजर डालो, sec थीटा माइनस tan थीटा वही आ गया आंसर, यानी कि इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देयरफॉर हेंस प्रूव्ड, ये आपने प्रूफ करके दिखा दिया कितना इजी था, हेंस प्रूफ। क्लियर? देखो यहां पे ध्यान से, बहुत इजी होते हैं ऐसे एग्जांपल्स, और इससे ज्यादा इजी, मतलब मैं जब टेंथ में था मुझे एक चीज याद आ गया था कि मुझे टेंथ में ना 138 मार्क्स मिले थे उस टाइम पे 150 में से, और मुझे ये पता लगा था कि मुझे स्कूल से ही 5 मार्क्स कम दिया गया है, ठीक है ना, जो स्कूल के मार्क्स होते हैं ना, तो 5 मार्क्स कम दिया गया था। तो मतलब मेरे एक्चुअल में अगर मेरे को फुल मार्क्स मिलते, जो कि देने चाहिए अच्छे बच्चे को, फुल में से फुल देने चाहिए, 20/20 मिलने चाहिए, हमारे 20 मार्क्स का उस टाइम पे होता था, तो ना मुझे जहां तक याद, 20 मार्क्स का नहीं होता, 30 मार्क्स का होता था, दोनों मिला के 15-15 30 मार्क्स का, और 120 मार्क्स का 60-60 मार्क्स का पेपर होता था, टोटल 150 मार्क्स का पेपर उस टाइम पे आता था। आप लोग को 100 मार्क्स का ये ना पूरा मिला के मैथ्स, हम लोग को पूरा मिला के मैथ्स 150 मार्क्स का होता था। तो मुझे एक मेरा सीन याद आ गया कि उसमें मेरे को ना 5 मार्क्स कम दिए थे, बाद में मेरे को पता चला, तो अगर मुझे उसमें 5 मार्क्स मिल गए होते तो मेरे को 143 मिले होते हैं, जो कि मैं बहुत अच्छा स्कोर किया होता, मतलब थर्ड या फोर्थ आता मैं, क्योंकि टॉपर जो था उसको 147 था, 3 मार्क्स कुछ तो रीजन से कट हुए थे उसके, तो सोचो मैं इस प्रकार टॉपर बन सकता था पूरे स्कूल में, पूरे तालुका लेवल पे, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन कोई बात नहीं, जो चीज मैंने मिस्टेक की थी वो आपको बता रहा हूं। क्या मिस्टेक की थी, कि हम जो रीजन लिखते हैं वो नहीं लिख पाते एग्जाम में कभी कभी, तो रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना, और थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट होना कि यार ये तो आता है मैं कर लूंगा, तो कभी कभी हम अटक जाते हैं। तो हर एक फॉर्मूले दिमाग में होना चाहिए कि साइन अपॉन कॉस क्या मतलब क्या होता है, 1 अपॉन कॉस का मतलब क्या होता है, ये अगर पता है आपको तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करते जाओ, आपका आंसर निकल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहां पे क्या है, LHS लिख लो सबसे पहले, क्या है देखो, sec थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है, ब्रैकेट में cot थीटा प्लस tan थीटा। चलो कोई बात नहीं, मजा आ रहा है। अब देखो यहां पे अगला जो क्वेश्चन है, यहां पे sec थीटा अपॉन sec थीटा माइनस cos थीटा, cot थीटा प्लस tan थीटा, यही क्वेश्चन है हमारा। अब इसमें आप देखोगे सबसे पहले ये sec थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 upon cos लिख सकता हूं, 1 upon cos theta लिख सकता हूं, और ये जो cos theta है इसको as it is लिख सकता हूं, जो ये cos theta है इसको मैं क्या करता हूं, as it is लिखता हूं। ये हो गया सबसे पहला, इसको ब्रैकेट चाहिए तो बना लो। दूसरा ब्रैकेट में ये cot theta दिख रहा है, cot theta, ठीक है ना। अब ये जो cot theta है दोस्तों, cot theta को मैं कैसे लिख सकता हूं, cot theta को मैं लिख सकता हूं cos theta upon sin theta, क्योंकि sin theta by cos theta tan होता है, तो tan का उल्टा cot होता है, तो cot हो जाएगा cos theta by sin theta, यानी कि ये जो tan theta है वो भी हो जाएगा sin theta by cos theta। तो आपने सबका वैल्यू लिख दिया, ठीक है, सबका आपने वैल्यू लिख दिया। अब यहां पे आप देख पा रहे हो cos थीटा इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 cos square theta upon cos theta, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये cos इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 1 पहले से ही था, माइनस cos मल्टीप्लाई बाय cos, यानी कि cos square theta, और नीचे आपका ये cos theta तो पहले से ही है, ये मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू, cos theta बाय sin theta प्लस sin theta बाय cos theta, ये भी एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो cos मल्टीप्लाई बाय cos इज नथिंग बट द cos square theta, बीच में प्लस sin multiplied by sin is nothing but the sin square theta whole divided by sin theta multiplied by cos theta, ठीक है, cos theta, समझा यहां तक, बहुत भी बेसिक है, बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ है और कुछ नहीं। अब यहां पे आप देखोगे मुझे कुछ फॉर्मूले समझ में आ रहे हैं, यहां पे क्या बनते हुए नजर आ रहे हैं, 1 minus cos square theta क्या होता है, sin theta, sin square theta होता है, और नीचे आपका cos theta है, ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई cos square theta plus sin square theta 1 होता है upon sin theta multiply by cos theta है, ठीक है। रीजन अगर आपको लिखना है तो यहां पे साइड में मैं लिख देता हूं आप लोग के लिए कि रीजन क्या आया, ठीक है, सिंस रीजन क्या आया, रीजन कि आपको पता है कि 1 minus cos square theta जो होता है वो sin square theta होता है, करेक्ट है, ये लिख दिया हमने इसके जगह पे। और एक और रीजन मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये दोनों हमें यहां पे लगे और हमने लगा दिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो यहां पे नेक्स्ट स्टेप इज इक्वल टू, ये साइन स्क्वायर थीटा 2 है, साइन मल्टीप्लाई बाय साइन होगा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा मतलब ये इसका स्क्वायर और एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बच रहा है इसके पास, साइन थीटा, तो क्या बच रहा है यहां पे, साइन थीटा, और नीचे आ जाएगा आपका कॉस थीटा, और ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय ऊपर 1 है, और नीचे इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बच रहा है, कॉस थीटा, समझ में आ रहा है, क्या बच रहा है, cos थीटा बच रहा है। अब यहां पे अगला स्टेप यहां लिखता हूं मैं, ध्यान से देखना, अगला स्टेप यहां लिखता हूं, ये sin थीटा बाय cos थीटा क्या होता है दोस्तों, कौन बताएगा, sin थीटा बाय cos थीटा होता है tan थीटा, बीच में है मल्टीप्लाई मतलब डॉट, डॉट मतलब मल्टीप्लाई होता है, डॉट क्रॉस मतलब यही होता है ना, मल्टीप्लाई आप डॉट भी लिख सकते हो, और 1 upon cos का मतलब होता है sec थीटा, तो tan थीटा मल्टीप्लाई बाय sec थीटा जो है वो आ गया,
और आपका आरएचएस भी यही प्रूफ करना था, देखो टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा, तो ये आ गया, दैट इज नथिंग बट इज इक्वल टू आरएचएस एंड इज इक्वल टू हैंस प्रूव्ड। ये आपका फेवरेट डायलॉग क्या आ गया, हैंस प्रूव आ गया। समझ में आ रहा है दोस्तों, क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत इजीली एंड बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। देखो ये ध्यान से देख लेना, देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे दो दो मार्क्स के लिए आते हैं, होपफुली तीन मार्क्स के लिए भी आ जाते हैं, तो बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान देना। कभी कभी तीन मार्क्स वाले क्वेश्चन छोटे होते हैं, जानबूझ के वो लोग कंफ्यूज करने के लिए देते हैं कि यार इसका बहुत बड़ा सॉल्यूशन है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इसको सॉल्व करेंगे चलो फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिक्स्थ क्वेश्चन, वन अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। तो LHS ले लो, वन अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा, ये आपका LHS है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं बताओ, इसमें हम लोग एक चीजें क्या कर सकते हैं, देखो अगर आप ध्यान दे पा रहे हो यहां पे, तो आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो नीचे वाला टर्म है, कभी भी अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको दिखता है कि नीचे आपका समथिंग माइनस समथिंग है या फिर समथिंग प्लस समथिंग है, तो आप रैशनलाइज कर लो, सिंपल हो जाता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दैट इज वन अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा है। अब इसका रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर करूंगा, मतलब sec थीटा माइनस tan थीटा का बदला उल्टा क्या हो जाएगा, sec थीटा प्लस tan थीटा, और नीचे भी सेम sec थीटा प्लस tan थीटा। और ये आपने क्या किया है, ये आपने किया है रैशनलाइजिंग। तो यहां पे आप चाहिए तो ब्रैकेट में लिख दो, सिंस रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, आपने क्या किया, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। इसको चाहिए तो आप ऊपर डाल दो, ठीक है ना, सॉरी मैंने क्या किया, मिटा दिया क्या, हाँ ये वाला, इसको चाहिए तो आप ऊपर डाल दो, यहां पे डाल दो, ठीक है, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। समझ में आ रहा है, दिख रहा है क्या, क्लियर? थोड़ा थोड़ा गंदा दिख रहा है ना, मैं नीचे लेके आता हूं इसको, रुको एक मिनट रुक जाओ, मैं लेके आता हूं, रुको, ये हो गया, इसको मैं नीचे लाता हूं, ठीक है, और ये वाले को मैं बीच में लाता हूं। अब अच्छा दिख रहा है, अब क्लियर दिख रहा है, दिख रहा है, यस क्लियर दिख रहा है, ठीक है। अब यहां पे देखो नेक्स्ट है, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर किया आपने, ये चीज आपको क्लियर हो गया। अब ये स्टेप हमारे पास आ गया, तो अब मैं इसमें क्या कर सकता हूं, थोड़ा भी दिमाग लगाओगे तो ऊपर जो है वन मल्टीप्लाई बाय दिस नथिंग बट द सेम रहेगा, दैट इज sec थीटा प्लस tan थीटा, ये सेम रहेगा, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब sec स्क्वायर थीटा माइनस tan यानी tan स्क्वायर थीटा, ये समझा यहां तक? तो sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और आपको एक फॉर्मूला अगर याद आ रहा होगा, तो एक फॉर्मूला है हमारा, वन प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ये एक फॉर्मूला है हमारा थ्री आइडेंटिकल वाला, जिसमें अगर मैं tan को, tan जो है ना इसको sec के पास भेज दो, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा इधर ही, और tan इसके पास आएगा, तो मतलब माइनस tan स्क्वायर थीटा हो गया, और अकेला यहां पे क्या बच रहा है, वन, मतलब sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा करूंगा तो वन आएगा, मतलब ये पूरा वैल्यू जो है ऊपर का तो सेम टू सेम आएगा sec थीटा प्लस tan थीटा, लेकिन नीचे आपका पूरा वैल्यू आ रहा है वन। क्यों आ रहा है ये वैल्यू वन, क्योंकि आप लोग का रीजन ये है कि आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर जो थीटा होता है इसका वैल्यू आता है वन, ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज। अब यहां पे अगर आप ध्यान दे पा रहे हो, थोड़ा भी ध्यान दे पा रहे हो, तो यहां पे एक बार देख लेना कि sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन वन, तो समथिंग अपॉन वन इज नथिंग बट समथिंग, तो यहां पे आ जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा जो है वो अकेला यहां पे बच जाएगा। और आप आरएचएस में भी देखो तो वही चीज दिया हुआ है, मतलब ये सबसे पहले तो इसका काम नहीं है, इसको मिटा दो आप, ठीक है। अब यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू आरएचएस, मतलब आरएचएस के बराबर है, देयरफॉर हैंस प्रूव्ड, क्या ये हैंस प्रूव्ड, क्लियर? समझ में आ गया दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स, अब एक और क्वेश्चन कराऊंगा, देखता हूं बाकी सब, देखो सब सिंपल ही है, लगभग इसी टाइप के हैं जितने भी हमने कराए हैं, अलग अलग टाइप, यही टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे। एक और क्वेश्चन करा देता हूं, फिर ये प्रैक्टिस सेट 6.1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और उसके अगले लेक्चर में हम सीधा 6.2 पे जाएंगे और जल्दी जल्दी ये चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, वैसे ऑलरेडी एक बार पढ़ा के कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, क्या क्वेश्चन है हमारा, नाइन्थ क्वेश्चन है, चलो इसको भी देख लेते हैं फटाफट से, अगला नाइन्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ठीक है। अभी जो नाइन्थ क्वेश्चन है यहाँ पे आप जब देख पा रहे होंगे, बहुत ईजी है ये भी अगर आप देखोगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले LHS इसका जो है वो लिख लेता हूं, जो कि है tan थीटा प्लस वन अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू टू, इज इक्वल टू टू लिखने की जरूरत नहीं है वो, हाँ हम लोग को क्या दिया, एक्चुअल में ना ये वैल्यू दिया है हम लोग को, ये पूरा दिया हुआ है, LHS नहीं है, माफ करना, ये एक्चुअली दूसरा टाइप का क्वेश्चन ही है, ये आपका ना कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, एक सेकेंड रुक जाओ।
ये आपका अलग टाइप का क्वेश्चन है जिसमें ये वैल्यू दिया हुआ है, मैंने ये देखा ही नहीं ना। अब देखो यहाँ पे टेन थीटा प्लस वन बाय टेन थीटा इज इक्वल टू टू दिया हुआ है और इसको इस्तेमाल करके ये बनाना है, बन जाएगा। सबसे पहले मैंने ये ले लिया जो कि है टेन थीटा प्लस वन बाय टेन थीटा इज इक्वल टू टू। तो अब मैं क्या करता हूं, इस चीज को पूरा स्क्वायरिंग करता हूं। तो यहां पर मैं लिखूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा टेन थीटा का हो जाएगा ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन नीचे वाला भी टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा दोस्तों टू का स्क्वायर फोर। यहां तक समझा आपको? तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू फोर हो जाएगा, समझ में आ रहा है? ओके, अब यहां पे आप देखोगे, ठीक है, अब यहां पे आप देखोगे तो यहां पे आप देखो, हाँ एक चीज मैं क्या कर सकता हूं ना, एक्चुअली ना ये स्क्वायर करना है ना, तो मैंने एक थोड़ा सा गड़बड़ क्या किया है, देखो यहां पर ये स्क्वायर थीटा हटा दो, ठीक है, ये हो जाएगा आपका पूरे का स्क्वायर, क्योंकि आप इस चीज का स्क्वायर कर रहे हो, बोथ साइड कर रहे हो, तो 10 प्लस 1 बाय 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो 10 प्लस 1 बाय 10 थीटा जो है यहां पे, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 आ गया, लेकिन अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आपका a है, ये आपका b है, तो फॉर्मूला क्या है, a प्लस b होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय a कौन है यहां पे 10 थीटा मल्टीप्लाई बाय b कौन है यहां पे 1 बाय 10 2ab हो गया प्लस b स्क्वायर b कौन है यहां पे 1 बाय 10 थीटा का स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ रहा है यहां पे। और ये इज इक्वल टू 4 है, ये इज इक्वल टू 4 है, यहां पे एक लाइन खींच देता हूं मैं, समझ में आ रहा है। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो ये 10 थीटा ये 10 थीटा क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू बच रहा है दोस्तों वो क्या बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ 10 स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। अब देखो यहां पे प्लस 2 है ना, ये प्लस 2 को मैं 4 के पास भेज दूंगा तो 4 से माइनस हो जाएगा, यानी कि ये जो 10 स्क्वायर थीटा है ये अकेला इधर पे है 10 स्क्वायर थीटा ये वाला, और ये प्लस 1 अपॉन 10 स्क्वायर थीटा इसको भी साथ में ले लो, तो 1 अपॉन 10 स्क्वायर थीटा इसको भी साथ में ले लो, ठीक है। और ये जो प्लस 2 येलो के साथ में था, अब मुझे येलो के साथ नहीं रखना है, मुझे 4 के साथ रखना है, तो प्लस 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 के साथ माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देयरफॉर 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, और यही चीज हमें प्रूफ करना था। आगे आंसर हेंस प्रूव, यही चीज हमें प्रूफ करना था ना, देखो ध्यान से, यही चीज तो बताना था आप लोग को और ये आपने प्रूफ करके दिखा दिया, करेक्ट है, क्लियर दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यही था हमारा छठा नहीं नाइन्थ क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन में ले लेता हूं, चलो देखता हूं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अब ये जो क्वेश्चन है बड़ा ही डिफिकल्ट, लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम लोग कराएंगे, टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस चीज का क्या लेंगे, एलएचएस लेंगे, थोड़ा अलग टाइप का दिख रहा है ना, इज इक्वल टू 1 दिखाना है तो एलएचएस ले लेता हूं। सबसे पहले क्या है एलएचएस, sec रेस टू 4 है, याद रखना, sec रेस टू 4a ब्रैकेट में 1 माइनस साइन रेस टू 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a, ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्रूफ करके दिखाना। तो सबसे पहले यहां पर मैं क्या करूंगा, इस चीज में अगर आप देखोगे तो आपको क्या करना है, ठीक है, ये जो sec रेस टू 4a है ना, ठीक है, sec रेस टू 4a, ठीक है, ये यहां पर एक मैं चेंजेस क्या कर सकता हूं, अगर आप देखोगे तो sec रेस टू 4a जो है ये अंदर साइन रेस टू 4 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1 माइनस साइन रेस टू स्क्वायर a और ये पूरे का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या, 1 माइनस साइन रेस टू a और ये पूरे का स्क्वायर, ये स्क्वायर मिला के साइन रेस टू 4 हो जाएगा, मतलब ये एक ही बात है, ये जो मैंने लिखा ये एक ही बात है, और ये माइनस 2 tan स्क्वायर है, उसको मैं एज इट इज लिख सकता हूं, माइनस 2 tan स्क्वायर है, सेम टू सेम, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर सकता हूं, मुझे पता चल गया यहां पे 1 माइनस, ठीक है, समथिंग वैल्यू है यहां पे और इसका स्क्वायर, समझ में आ रहा है, मतलब मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो है वो लिख सकता हूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकता हूं ना, इस प्रकार से, समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, ये सेम टू सेम लिखता हूं, sec रेस टू 4a, इसको अभी आप चाहे तो आप sec स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल इसकी नीड नहीं है, तो इसको मैं एज इट इज रखता हूं, sec रेस टू 4 वैसे ही रखता हूं। अब यहां पे क्या हो जाएगा, अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस समथिंग का स्क्वायर, मतलब ये a स्क्वायर ये हो गया और ये b का स्क्वायर हो गया, तो a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि सबसे पहले a माइनस बी ए प्लस बी अगर लू तो a माइनस बी मतलब साइन स्क्वायर a और a प्लस बी मतलब 1 प्लस साइन स्क्वायर a, समझा, तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये माइनस 2 tan स्क्वायर a एज इट इज, ठीक है, समझ में आ रहा है, यहां पे क्लियर है। अब यहां पे आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट स्टेप अगर आप देखोगे इसमें तो हम क्या कर सकते हैं,
कि ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर है इसको मैं बना सकता हूं सेक रेस टू 4 है, पहले से ही 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब होता है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट द कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा आपके लिए कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, ये हो जाएगा आपके लिए कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और ये 1 प्लस साइन स्क्वायर ए एज इट इज रहेगा, ठीक है, और ये जो माइनस 2 टेन स्क्वायर ए है वो भी एज इट इज रहेगा। यहां तक समझा, यहां तक आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखोगे यहां पे नेक्स्ट स्टेप देखो, ये जो sec रेस टू 4 दिख रहा है आपको, ठीक है, sec रेस टू 4 दिख रहा है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 अपॉन sec का मतलब 1 अपॉन cos होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन cos 4 रेस टू 1 अपॉन cos रेस टू 4 मल्टीप्लाई बाय ये cos स्क्वायर है पहले से ही वहां पे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर है वैसे ही वहां पे है, और ये ब्रैकेट में 1 प्लस एक सेकंड sin स्क्वायर a भी है वहां पे, और ये माइनस 2 tan एक सेकंड 2 tan स्क्वायर a भी है वहां पे, समझ में आ रहा है, देखो स्टेप्स हम बढ़ते जा रहे हैं। अब यहां पे पूरा cos स्क्वायर है और यहां पे इसका 4 कट होके 2 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास नीचे कितना बचेगा, cos स्क्वायर a बचेगा खाली, ठीक है, यहां पे क्या बच रहा है, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बच रहा है, और यहां पे बच रहा है माइनस 2 टेन स्क्वायर ए बच रहा है, करेक्ट है, यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा, यहां तक आपको कोई परेशानी, यहां पे कोई परेशानी नहीं होगी, समझ में आ रहा है। अब देखो यहां पे, अब यहां पे आप देखोगे, अब हां यहां पे हम लोग क्या करते हैं, ये सेम टू सेम लिखता हूं क्या मैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, इसको हम लोग एज इट इज रखते हैं, यहां पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये जो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए है इसको हम एज इट इज रखते हैं, ठीक है, और यहां पे आप देखोगे क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, हाँ एक चीज मैं क्या कर सकता हूं, देखो मैं क्या कर सकता हूं, ये जो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है ना ये पूरा ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हो गया, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर तो हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर हो गया, बस मैंने क्या किया है, इस पूरे टर्म को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यही आया, इस पूरे टर्म को साइन स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर हो गया, और ये आगे है माइनस 2 टेन स्क्वायर, तो यहां पे लिख दो माइनस 2 टेन स्क्वायर ए। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है लेकिन इसको प्रैक्टिस करके तो आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है आप जानते हो, sec स्क्वायर ए होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए का जो वैल्यू होता है दोस्तों वो क्या होता है, sec स्क्वायर ए होता है, और साइन अपॉन कॉस होता है 10, लेकिन ये स्क्वायर तो ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा माइनस 2 टेन स्क्वायर ए, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ यहां पे, अगर आपको एक चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है दोस्तों, तो यहां पे sec स्क्वायर ए वैसे का वैसे ही है, लेकिन ये टेन स्क्वायर है माइनस 2 टेन स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा माइनस 10 स्क्वायर है, और आप एक चीज जानते हो कि sec माइनस 10 कितना होता है, 1 होता है, फॉर्मूला है ना हमारा sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और यही चीज आपको प्रूफ करना था इज इक्वल टू RHS, और देयरफॉर हेंस प्रूफ, ये आपने क्या कर दिया, प्रूफ करके दिखा दिया, क्लियर। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत इजीली एंड बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बस यही था हमारा आज का लेक्चर वीडियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी प्रूफ दैट थे वो हमने आपको करा दिए, अब इसमें से होपफुली आपके एग्जाम्स में पूछेगा तो जरूर से आप लोग सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 6.2 जो है वो अगले लेक्चर में आ जाएगा, तो आप लोग बस बने रहना हमारे साथ, प्यार दिखाते रहना। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कॉमेंट करके जरूर से बताना, वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना, और पहली बार आए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।